जैसे कि आपको पता ही है दोस्तों, एक रोज़ डेली एक अपने चैनल पे वीडियो अपडेट होनी ही होनी है। कभी कबूतरों को उड़ान के रिलेटिव, कभी दोस्तों बीमारी के रिलेटिव, डेली एक वीडियो अपने चैनल पे अपडेट होनी है। आज जो दोस्तों वीडियो आई है काफ़ी अच्छी वीडियो आई है, ये भी बहुत यूज़फुल है लोगों के लिए, क्योंकि दोस्तों इसमें आज हम जो बीमारी का इलाज बताने वाले हैं वो दोस्तों बीमारी है सांस की। दोस्तों ये सांस की बीमारी ऐसी होती है जो कबूतर को ना तो पनपने देती और ना ही दोस्तों जीने देती, कबूतर अधिकतर मर ही जाता है। बहुत से आपने देखा होगा हर कबूतर को दोस्तों सांस नहीं होता, मुंह खोल के सांस कबूतर लेते हैं तो हर कबूतर को सांस भी नहीं होता। अधिकतर कबूतर को जुकाम भी होता है, अधिकतर कबूतर को जुकाम ही होता है वैसे, जो मुंह खोल के सांस ले रहा है तो जुकाम में नाक बंद हो जाती है, तो उन कबूतरों को जुकाम भी होता है, जुकाम की वजह से मुंह खोल के सांस लेते हैं। और दोस्तों अगर आप जुकाम की दवाई देते देते थक गए हैं, आप जुकाम की दवाई देते देते थक गए हैं और आपका कबूतर सही नहीं हो रहा है, मुंह खोल कर कंटिन्यू सांस ले रहा है, खड़खड़ की भी आवाज़ आने लगती है, कभी कभी तो सांस इतनी ज़ोर से लेता है कबूतर खड़खड़ की आवाज़ आने लगती है, पूरे दिन मुंह का चिमटा खुला रहेगा दोस्तों, आपको ये दिखेगा कि पूरे दिन उसका मुंह का चिमटा पूरा पूरी चोंच खुली रहेगी, सांस ही लेता रहेगा और कुछ नहीं करेगा, ना खाएगा ढंग से, ना पिएगा ढंग से, ना जोड़ा मिलाएगा, ना उड़ेगा, सांस ले रहते हैं दोस्तों। उस कबूतर को हो गई सांस की बीमारी। दोस्तों आज हम इस बीमारी का आपको इलाज बताएंगे। दोस्तों आपने ये, मैं आप हर वीडियो में आपको ये भी बताता हूँ कि जो मैं बीमारी का इलाज बताता हूँ वो मेरा अपने कबूतरों पर आजमाया हुआ होता है। 100% जो मेरा कबूतर ठीक हो जाता है मैं उसी की बीमारी का इलाज बताता हूँ, वरना मैं किसी का बिना चेक करे कोई इलाज नहीं बताता कि कोई और साइड इफ़ेक्ट हो जाए। जिस ट्रीटमेंट से मेरा कबूतर सही हो जाता है मैं उसी का इलाज बताता हूँ। सांस की बीमारी का तो अभी तक मेरा वहाँ कोई ऐसा कबूतर नहीं था, तो अब मैं अपने भाई जिया भाई का वहाँ आया हूँ, इनके वहाँ 2-3 कबूतरों को सांस था, बहुत ही ख़तरनाक सांस था, तो उस बीमारी का ट्रीटमेंट इन्होंने अपने कबूतरों का कराया, जो मेडिसिन का इन्होंने कराया दोस्तों, आज मैं इनके पास आया हूँ। ये खुद अपनी ज़बानी बताएंगे दोस्तों कि इनके कबूतर की क्या कंडीशन थी और अब क्या कंडीशन है, क्या मेडिसिन दी, कितनी डोज दी, कितने दिन दी, जो कुछ भी है A to Z आज जिया भाई बताने वाले हैं। तो जिया भाई, आपके कबूतरों को अभी पीछे सांस था जब मैं वीडियो बनाने आया था, जी जी जी, तो आपने उसका इलाज क्या करा, कैसे करा और क्या रिजल्ट आया उसका? रिजल्ट तो मैं अभी आपको दिखा दूंगा, कबूतर इसके अंदर अलग पड़ा है ये। अच्छा। इसी वजह से अलग कर दिया था पहले ही। दो तरह से हम दवाई दे सकते हैं जी। मॉक्स 500 का कैप्सूल आता है, एक कैप्सूल और मोनोसेफ की 2 टेबलेट 200 वाली, इसके साथ 6 बेटनासोल पीस के जितने वो दवाई का पाउडर बनता है उतने या उससे थोड़ा कम आटे में दवाई बना लें। अच्छा। अगर कोई ऐसी गोली बना के रख सकता है सुखा के, तो ये वाली एक गोली उसे दिन में एक बार देनी है, और 2 विटामिन A D के कैप्सूल आते हैं वो देने हैं। विटामिन ए और डी के, ए और डी लाल कलर के कैप्सूल होते हैं छोटे छोटे। अभी हर चीज आपके पास अवेलेबल है? हाँ, अवेलेबल है। दिखा दोगे आप? हाँ, नाम से नहीं मिलता तो दिखा देंगे वो। अच्छा। आप डाल दिएगा उसके अंदर। अगर किसी को गोली बनानी नहीं है जी, तो मोनोसेफ 100 mg में टेबलेट आती है और मॉक्सिकिट की 125 mg की टेबलेट आती है। मॉक्सिकिट के 6 टुकड़े करने हैं, मोनोसेफ के 5 टुकड़े करने हैं और 1 बेटनासोल साथ में ये देनी है एक बार बस, दिन में एक बार दिन में दाना खिलाने के बाद आप 15 मिनट आधे घंटे बाद दे सकते हैं, तो बेहतर ये होगा मतलब शाम में। हाँ, पेट भरा हुआ कबूतर का, दाना खाली पेट में नहीं देनी दवाई, और उसके साथ विटामिन ए और डी के 2 कैप्सूल साथ में देने, कैप्सूल साथ में देने, 2 कैप्सूल छोटे होंगे, वो छोटे छोटे कैप्सूल आते हैं एमजी में। हाँ, बहुत कम डोज के आते हैं। अच्छा। कितने दिन में अपना रिजल्ट आ जाता है? 3 दिन के अंदर कबूतर सही हो जाएगा, लेकिन उसे थोड़ी सी ज्यादा लंबी दवाई चलती है कि या तो उसे कम से कम 1 हफ्ते में एक बार दे दें, उसकी कंडीशन देख लें आपकी कबूतर की कंडीशन कैसी रह रही है। अगर दिख रहा है कि वापस आ रहा है तो दोबारा दवाई कंटिन्यू करिए, वरना पहले 1 हफ्ते में एक बार, दिखता है कि सही कबूतर चल रहा है तो बाद में 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार, जब बिल्कुल सही हो जाए तो उसे दवाई छोड़ दें। कंटिन्यू कितने दिन खिलाते हैं? 3 से 4 दिन के अंदर सही हो जाएगा कबूतर, बिल्कुल सांस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। 8 दिन में एक बार दे दें कबूतर की कंडीशन आपके सामने, जैसे भी कबूतर है उस टाइम पे, लेकिन वैसे थोड़े दिन दे देनी चाहिए, 1 हफ्ते में 1 बार या 10 दिन में 1 बार, कि सांस वापस लौट के नहीं आए, देते खत्म हो जाएगा। कबूतर है अपने पास जो इस वक्त दिखाएंगे, टाइम सांस रहेगा, जिसम से भी हल्का है, मैंने पर गाड़ दिया, सांस था इसे। आपने शायद पिछली बार वीडियो बनाई थी, तब भी आपने देखा होगा, फिर रहा था। अभी कुरेज भी रह गई है इसकी, देखिए दोस्तों इसका बिल्कुल चोंच बंद है, काफी अच्छा, कोई सांस नहीं चल रही, कोई ऐसे नहीं था इसे। और काफी टाइम पुराना था, पुराना सांस था, धोखे में नजला था तो मैं नजले की ही दवाई दे रहा था। अच्छा, आप भी नजले की दवाई दे रहे थे? ये नजला भी था इसे, अब वो उससे ध्यान नहीं गया कि इसे सांस है। अच्छा,
जब आप सेकंड पिछली बार वीडियो बनाने आए थे, अभी 6-7 दिन पहले मैंने इसे दवाई दी थी, 3 दिन लगातार दी है बस। देखिए दोस्तों, दाना खाया हुआ, दाना भी खाया हुआ है और ये चोंच भी देखिए बिल्कुल बंद है इसकी टोटल। और ये इस कंडीशन में था कि जाया हो जाता कबूतर, जिसम से हल्का हो गया। आप देखो तुम भी काट रही है, पूरी भी रुकी हुई है इसकी, काफी हड्डी खड़ी निकली, क्योंकि खा ही नहीं रहा था, अब तो खा भी रहा है, अब तो खुद खा रहा है, अभी सुबह को ही खाया हुआ। आप मेडिसिन दिखाएंगे, आप कौन सी मेडिसिन देते हैं? दोस्तों ये है मेडिसिन, ये विटामिन ए डी की कैप्सूल है, ज्यादा महंगे नहीं आते, 185 रुपए की शीशी है इसकी, 1000 कैप्सूल की, 1000 कैप्सूल की जी, और एक्सपायरी भी 1 साल की होती है, वैसे इतना यूज नहीं होगा, कोई खुला वजह तो ले सकते हैं। ये मॉक्स है 500 कैप्सूल, बेटनासोल है, बेटनासोल। बाकी और क्या डालना है? मोनोसेफ है वो, आप पूरा फॉर्मूला दोबारा बताओ जी भाई। मोनोसेफ 200 mg की टेबलेट, अगर आटे में साथ मिलानी है तो 1 कैप्सूल और 2 टेबलेट और 6 बेटनासोल। अगर गोली नहीं बना सकते तो मॉक्सिकीड 125 की 1 टेबलेट और मोनोसेफ 100 mg की 1 टेबलेट और बेटनासोल की 1। मॉक्सिकीड के 6 टुकड़े करने हैं, मोनोसेफ के 5 टुकड़े करने हैं और बेटनासोल 1, और विटामिन ए और डी के 2 कैप्सूल लेने हैं एक बार, किसी भी टाइम आप दे सकते हैं दाना खिलाने के बाद। अगर किसी को गोली बनानी है तो आसान है, नहीं बनानी तो आप वैसे भी काट के दे सकते हैं गोली बनाकर। हाँ गोली बना के देते, जिसको नहीं परेशानी हो रही गोली बनाने में डायरेक्ट टैबलेट दे दे। और दोस्तों वो तो रहा ट्रीटमेंट, और दोस्तों ये रहे जिया भाई के कबूतर, बहुत अच्छी क्वालिटी में लाल मन घाघरे हैदराबादी वगैरह का स्टॉक करते हैं, बहुत अच्छा सेटअप, बड़ा जाल बना रखा है, कोई बाहर नहीं खोलना है दोस्तों, जाल के अंदर ही है, काफी बड़ा सेटअप है, इसी के अंदर आराम से रहते हैं, मजे से उड़ते फिरते। और हर एक महीने में 2 महीने में दोस्तों लगभग 40-50 लालमन घाघरे और हैदराबादी के बच्चे बेच देते हैं, सेल हो जाते हैं इनके पास से, लोटे पूरी दोस्तों अंडे बच्चे होते ही रहते हैं, निकलते ही रहते हैं हमेशा। दोस्तों वैसे जिया भाई का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल भी हो जाएगा, और कोई जानकारी करना चाहे मेडिसिन के बारे में तो जिया भाई हमेशा अवेलेबल है दोस्तों, बट फ्री टाइम में, ये नहीं कि आप किसी भी कॉल टाइम कॉल कर दो, रात शाम को लगभग 7 बजे के बाद ही कभी भी कॉल करें, शाम को 7 बजे के बाद ही कॉल करें, ऐसा नहीं है कि इसी बीमारी के इलाज आपको बताएंगे दोस्तों, काफ़ी कोई भी A to Z अधिकतर जो कबूतरों में बीमारी हो आपका, आप कॉल कर सकते हैं जिया भाई, इंशाल्लाह आपको बताएंगे, सब सेटअप अच्छा सेटअप बना रखा है, सब घर के कबूतर ही अधिकतर तैयार होते हैं और इन्हीं के बच्चे सेल होते रहते हैं। अभी हाल फिलहाल में लालमन घाघरों की लोट सेल हुई है पूरी, और एक जोड़ा ये पाकिस्तानी का परचेस करा है, जिस ये कि नर है दोस्तों, ये देखिए पाकिस्तानी ब्रीड है लालमन घाघरों की, फ्रीज में है इस वक्त तो, ये नासिर भाई से बच्चे परचेस करे थे, ये अभी जब इन पे क्वालिटी आ जाएगी, कलर आ जाएगा पूरा कुर्ते बाद दोस्तों, जब इनकी क्वालिटी नज़र आएगी, बहुत अच्छे गोल्डन पोट है, वाइट बार का बच्चे हैं, लगभग 40,000, 45,000, 55,000, 60,000 जैसा दाव लगा दोस्तों इसी तरह से सेल करें। नासिर भाई ने एक बच्चा वो था दोस्तों, और एक बच्चा इसके साथ ये है, क्वालिटी देखिए इस बच्चे की भी, फुल वाइट बार, डायरेक्ट पाकिस्तान से इंपोर्ट करे थे शायद नासिर भाई ने।